दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत के मामले में केंद्र सरकार एक बार फिर फ्रॉड तरीके से काम कर रही है। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुई थीं, और हुई थीं ये बात भी हमने कहा था कि मौतें हुई थीं, उनकी जांच करनी ज़रूरी है, कितनी मौत हुई, किस किस मामले में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाना ज़रूरी है। उसके बिना ये कहना मुश्किल होगा कि कितनी मौत हुई। इसके लिए मैंने उनसे चिट्ठी लिखी थी कि एलजी साहब को कहें कि ना रोकें। एलजी साहब ने पहले ही फाइल रिजेक्ट कर दी थी। आज मेरे पास में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भाई की चिट्ठी आई है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने कुछ कुछ तथ्य दिए हैं जिन पर मैं आऊँगा, पर उन तथ्यों के आलोक में ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु के संबंध में जांच करने के लिए अतिरिक्त समिति गठित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मतलब साफ साफ केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने के लिए कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब उसके लिए देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनको चिंता होनी चाहिए इस बात की कि देश में अगर 21वीं सदी में ऑक्सीजन की कमी से मौत होती हैं तो देश के लिए शर्म की बात है, हमारी मानव जाति के लिए शर्म की बात है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बहुत फ्रॉड तरीके से दो पॉइंट देते हैं मुझको। अपनी चिट्ठी में उन्होंने दो पॉइंट लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 मई 2021 के आदेश द्वारा एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स हेतु 12 बिंदु का टर्म ऑफ रेफरेंस निर्धारित किया गया है, जिसमें से 5 विषय ऑक्सीजन से संबंधित हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि इस उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के संबंध में जांच करने के लिए समिति गठित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। अब मैंने देखा कि 6 मई 2021 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई, उसमें जो उन्होंने 12 काम इस टास्क फोर्स को दिए हैं, उनमें से एक भी काम ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने के बारे में नहीं है। 12 के 12 काम इस संबंध में है कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा, भविष्य में कैसे ठीक होगा, इस बारे में है कि आगे क्या रिकमेंडेशन है, इस बारे में है कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, इस बारे में है। मैं पूरा पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि जो जिसके आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि दिल्ली में या देश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बना दी है इसलिए जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स बनाई है वो किस लिए बनाई है, उसका क्या मैंडेट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम दिया है, मैं वो बता देता हूं। उसमें लिखा है कि पहला काम उसका है एक्सेस एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर द एंटायर कंट्री बेस्ड ऑन द नीड, अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। मतलब पूरे देश में ऑक्सीजन की नीड कितनी है, उसकी उपलब्धता कितनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, उसके बेस पर उसका असेसमेंट करके उसके बारे में रिकमेंडेशन देना है। मेडिकल ऑक्सीजन स्टेट और यूटीज में कैसे बटेगी, उसकी मेथोडोलॉजी तैयार करनी है। दूसरा काम उसका यह है। तीसरा काम उसका यह है कि जितनी अवेलेबल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है जो प्रेजेंट है और जितनी प्रोजेक्टेड डिमांड है राज्यों की, उसके बेस पे अगर पेंडेमिक आता है तो उस वक्त कैसे, अगर दोबारा से कोई ऐसी जरूरत होती है तो उस वक्त उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इस बारे में रिकमेंडेशन देना है। अगर इसको कभी रिवाइज करना पड़े अलोकेशन को तो उसके बारे में रिकमेंडेशन देना है। अगर सजेस्ट मेजर नेसेसरी फॉर एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ, फिर आगे उन्होंने ड्रग्स के, मेडिसिन के, डॉक्टर्स के अवेलेबिलिटी के बारे में सजेशंस देने के लिए कहा है इस टास्क फोर्स को। इस टास्क फोर्स को, जैसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं, कि 5 बिंदु ऑक्सीजन के बारे में बताने के लिए कहा गया था। पांचों के पांचों बिंदु रिकमेंडेशन हैं कि आगे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिमांड कैसे होगी, राज्यों में कैसे बटेगी, इसके बारे में सजेशन देने के लिए है, और समय समय पे ये रिवाइज कैसे होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना दी है आगे की रिकमेंडेशन देने के लिए, इसलिए पीछे जो केंद्र सरकार के कुकर्मों की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, उनकी जांच करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा फ्रॉड मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने किया होगा, इससे बड़ा फ्रॉड किसी भी केंद्र सरकार ने किया होगा देश के लोगों के साथ। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टास्क फोर्स जिसका मैंडेट ही नहीं है ऑक्सीजन से हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई डेथ की जांच करना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स काम कर रही है इसलिए डेथ की जांच करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? दूसरा रीजन उन्होंने दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर में दिल्ली के लिए अलग से एक सब ग्रुप बनाने की बात की है, बड़ी टास्क फोर्स में से एक छोटा सब ग्रुप बनाने की बात की है, तो उसमें उन्होंने लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी मनसुख मांडविया साहब ने कि ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए केंद्र सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से एक कमेटी का गठन किया गया है, इसमें एम्स के निदेशक हैं, दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी हैं। इस समिति की रिपोर्ट जो है वो इंटरिम रिपोर्ट आ भी गई है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु के संबंध में जांच करने के लिए कोई कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं। अब ये जो सब ग्रुप है इसका भी मैं पढ़ देता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या काम दिया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी आदेश नहीं दिया कि जाके ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई डेथ की जांच करो, इसको दिया गया है कि सप्लाई एलोकेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट रीच द कंसर्न स्टेट, कि पूरे देश में कंसर्न स्टेट और यूटी को जितनी सप्लाई सेंटर ने दी थी उतनी पहुंची कि नहीं पहुंची ये जांच करेगी, ये डिटरमाइन करेगी, बताएगी उसमें। एफिकेसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक था कि नहीं था इसकी जांच करेगी। अवेलेबल स्टॉक बांटा गया था कि नहीं बांटा गया इसकी जांच करेगी। अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिगार्ड ऑफ यूटिलाइजेशन, उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जितनी सप्लाई हुई उसका यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, जितना एलोकेट हुआ था और जितनी सप्लाई हुई उसका यूज हुआ कि नहीं हुआ इसकी जांच करेगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई कि नहीं हुई इसकी जांच नहीं करेगी, इसकी जांच का कहीं कोई मैंडेट नहीं है। दोनों के दोनों तथ्य जिसकी वजह से केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौत की जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र माननीय सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स को का काम चल रहा है, दोनों के दोनों तथ्य फ्रॉड है, झूठ बोला है केंद्रीय मंत्री जी ने। क्यों बोला है मैं अब इस पर भी आता हूं। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पहले तो पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी चिट्ठी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स और कमेटी को ही इसकी जांच करनी थी तो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी फिर आपने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख के पूछा क्यों कि आपके राज्य में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई है कि नहीं हुई है? यानी कि आप ढोंग कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, आप ड्रामा कर रहे थे ये पूछने का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी राज्यों से ये पूछने का आप ड्रामा कर रहे थे कि आप हमें बताइए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौत हुई, क्योंकि जब एक राज्य कहता है हमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौत की जांच करने दो तो आप कहते हैं कि आप तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उस पर काम कर रही है जबकि कर नहीं रही है, झूठ बोल रहे हैं आप। तो आपने दो झूठ बोले, आप बार बार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि पूरे देश में ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट किया, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट, इतना बड़ा डिजास्टर आज तक देश में नहीं हुआ कि देश की केंद्र सरकार ऑक्सीजन की पूरी मिसमैनेजमेंट करके और अपने ही लोगों को मरने पर मजबूर कर दे। ऑक्सीजन की कमी देश में हुई अप्रैल और मई के महीने में तो केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई, मोदी जी के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई, मोदी जी की लापरवाही की वजह से हुई। मोदी जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी जीते और यहां पूरे देश में ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार ने कर दिया, इस वजह से हुई, इस वजह से मौत हुई क्योंकि ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट हुआ। पूरे देश में हजारों लोगों की मौत हुई इस बात से, इस वजह से, क्योंकि देश में ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट हो गया। इन हजारों लोगों की मौत के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है, इन हजारों लोगों की मौत के लिए प्रधानमंत्री जी का मिसमैनेजमेंट जिम्मेदार है, उनकी लापरवाही जिम्मेदार है इस चीज के लिए। यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। और जब देश पूछ रहा है कि भाई ऑक्सीजन की वजह से डेथ क्यों हुई, जब देश की संसद पूछ रही है केंद्र सरकार से कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ कितनी हुई,
तो आप कह रहे हैं कि उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जांच अगर कराई तो यह सामने आ जाएगा कि कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार ने किया, और साथ साथ अब कितना बड़ा फ्रॉड उस डेथ को, उस लापरवाही को कवर करने के लिए केंद्र सरकार कर रही है। आप अपना फ्रॉड छिपाना चाहते हैं, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप इस चिट्ठी में भी झूठ बोल रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी। आपको पता है कि अगर जांच हो गई, अगर जांच कमेटी बैठ गई, तो आपके, आपकी सरकार का, आपके मोदी जी की सरकार का फ्रॉड सामने आ जाएगा, लापरवाही सामने आ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टास्क फोर्स को जब वो मैंडेट ही नहीं दिया, तो आप क्यों कह रहे हैं कि उसको वो मैंडेट दे दिया गया? इसलिए जो काम सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स को दिया ही नहीं गया, आप जबरदस्ती उसको उसके ऊपर डाल रहे हैं। वो तो उसका काम वो कर ही नहीं रही, और अगर कर रही है तो आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के टास्क फोर्स ने आज तक किसी डॉक्टर को बुला के पूछा कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी क्या, डेथ हुई थी क्या? जिन मरीजों के रिश्तेदार आज हाईकोर्ट में जाके गुहार लगा रहे हैं कि हमारे मरीजों की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स ने उनसे मुलाकात की, उनसे बुला के पूछा कि क्या गड़बड़ हुई थी? नहीं पूछा, क्योंकि उसको पूछना उसका काम ही नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो काम ही नहीं दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोलने के लिए, फ्रॉड करते हुए उसका बहाना ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो कमेटी बन गई तो उनका सच सामने आ जाएगा। तो मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी लें, जांच होने दें, अगर जांच नहीं होगी तो सच सामने नहीं आएगा, और सच सामने आएगा तो आपकी लापरवाही, आपकी सरकार की लापरवाही सामने आएगी। और आज 21वीं सदी में अगर देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत होती है, और जो कि हुई थी, तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए कि आपकी लापरवाही की वजह से मौत हुई थी। इससे भागिए मत।